अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 2 अक्टूबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे आज की PNP लेटेस्ट अपडेट के बारे में। DLED 2017 बैच 18-19 बैच लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। DLED द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम और प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। DLED छात्रों का दोस्तों धरना प्रदर्शन, उसके बाद एक और आपका सवाल आ रहा था कि पेपर दोस्तों अपने कॉलेज में होगा या किसी सरकारी विद्यालय में होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोरोना टाइम में जितने भी पेपर कराए गए दोस्तों, मैक्सिमम पेपर अपने ही कॉलेज में करा लिए गए। लेकिन दोस्तों DLED कॉलेज में क्या होगा, ठीक है ना? DLED में दोस्तों क्या होगा, मतलब कि आपका सेंटर जाएगा कि भाई अपने कॉलेज में हो जाएगा। अपने कॉलेज में होगा तो अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, कैसे लाएंगे उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिर बैक पेपर छात्र क्या करें, कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, बात ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि अगर अंतिम समय में दोस्तों प्रमोट कर दिया गया फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है यहाँ पर, DLED छात्र मानसिक तौर पर परेशान भी है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 2018 बैच के हैं या उससे पिछले बच्चे 2017 बैच के, 14 बैच के, ठीक है 15 बैच के, जो भी दोस्तों बच्चे हैं, सभी बच्चे यहाँ परेशान हैं। देखिए दोस्तों, मामला कोर्ट में जाएगा यह बात तो कन्फर्म है। एक और अपडेट दोस्तों इस समय पहले हम देंगे, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, ये अपडेट आई है हाथरस से। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी दोस्तों हाथरस पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा हमारे ADG जी कह रहे हैं। ठीक है, क्या सही कह रहे हैं दोस्तों? पहला क्वेश्चन मार्क आपके सामने हम खुद ही खड़ा करते हैं, क्या दोस्तों ये बात सही लिखी है? उसके बाद एक और अपडेट जो आपके सामने दोस्तों, हो सकता है कि आपने पहले न्यूज चैनल पर देख लिया हो, तस्वीरें दोस्तों देखिए। हाथरस जा रहे राहुल पुलिस से धक्का मुक्की में जमीन पर गिर गए। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी, मतलब आप समझ रहे ना देश के कितने बड़ी हस्ती हैं और कितना बड़ा नाम है, PM लेवल दोस्तों कैंडिडेट ही हैं, और उनके साथ दोस्तों क्या हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। मतलब आप खुद ही दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतने बड़े इंसान के साथ दोस्तों धक्का मुक्की हो सकती है तो जो DLED के छात्र हैं, हम हैं, आप हैं, हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एक और अपडेट आई हाथरस में, गांव को दोस्तों कोविड कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकती है UP सरकार। ठीक है, ये अपडेट DM की तरफ से आई है। उसके बाद कांग्रेस का काफिला रोकने पर NCP ने उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, ये UP की बड़ी अपडेट्स हैं। देखिए इससे आपका फायदा और नुकसान समझिए, ये दोस्तों सरकार की पावर की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, DLED के छात्र सोचते हैं धरना प्रदर्शन करेंगे कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। सिंपल सी बात याद रखिए दोस्तों, सरकार जिस भी टीम में होगी ना, हमेशा जीत उसी की होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, पता है कि नहीं आपको, मामला दोस्तों कटाप को लेकर कोर्ट में गया था, फिर दोस्तों वही हुआ ना कि शिक्षा मित्रों की हार हुई और BTC BEd के छात्र जीते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कहा था कि हम योग्यता के साथ समझौता नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों सरकार BTC और BEd के छात्र के मतलब साथ में उस समय खड़ी थी। ये सब दोस्तों बातें, और ये दोस्तों जो लाइन लिखी है ना, इसको आप फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। अगर दोस्तों उस समय रेप ही नहीं हुआ था तो ये मामला इतना हाईलाइट क्यों हुआ, सवाल खड़ा होगा ना, कौन से ये कौन झूठ है दोस्तों? आप इसका अंदाजा आप बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, आप चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को देखेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, पूरी दोस्तों रिपोर्ट भी हम आपके सामने रखेंगे, भाई उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि सब कुछ झूठ है, कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों पीड़ित लड़की तो फिलहाल इस दुनिया में है नहीं कि वो दोस्तों आके हमें सच्चाई बताएं। तो फिलहाल सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, जो बच्चे DLED 2017 बैच के हैं या 18 बैच के हैं, उनके लिए दोस्तों क्या खबर है? जो बच्चे सब में पास हैं 2018 बैच के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में, वो तो भाई खुशी से अपना पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट में दोस्तों ये मामला चैलेंज होगा तो क्या क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ढेर सारे क्वेश्चन मार्क खड़े होंगे। क्या दोस्तों प्रमोट का मुद्दा कैंसिल हो सकता है? क्योंकि दोस्तों जो हाई कोर्ट में पूरी बहस होनी है हमारी, वो दोस्तों प्रमोट मुद्दे पर ही होगी। जी हाँ दोस्तों, उसमें जो नियम और कानून बनाए गए उसी के तहत दोस्तों बात की जाएगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिन बच्चों का प्रमोट हो गया है वो बच्चे भी यहाँ टेंशन में आएंगे, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो तो टेंशन में है ही है। 1 महीने का दोस्तों समय पर्याप्त होता है। अगर दोस्तों आपका पेपर में सिर्फ 10 से 12 दिन पहले ये चीज़ें बताई जाती तो हो सकता था छात्र और ज़्यादा परेशान हो जाते। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि सभी को एक समय मिला है,
ठीक, अच्छा खासा आपको वक्त मिल चुका है पढ़ने के लिए भी और हाई कोर्ट में मामला को चैलेंज करने के लिए भी। तो हाई कोर्ट में दोस्तों बहुत सी चीज़ें उलट फेर होता है, बहुत सी बार दोस्तों हुआ है, तो देखते हैं दोस्तों इस बार क्या क्या होगा। सभी छात्र के लिए दोस्तों ये टेंशन वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब मामला कोर्ट में जाता है तो भाई वहाँ कुछ क्लियर नहीं होता कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात और आपको बताएंगे, देखिए अगर दोस्तों आज की डेट में आप डीएलएड 2018 बैच के छात्र हैं, ठीक है ना, तो फिलहाल दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए अगर आप फेल छात्र हैं। अगर दोस्तों आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर किसी भी विषय में आपकी कोई बैक नहीं लगी है तो आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों गलती से भी अगर आपकी फर्स्ट या सेकेंड में किसी भी मतलब सेमेस्टर में आपकी एक भी बैक लग गई है तो आपको थर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी। यही दोस्तों अब तक का नियम है, यही आपका कानून है, जो भी आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों देखिए जो ये गाइडलाइंस बनती है ना इसको बदलना इतना आसान नहीं होता है। UGC गाइडलाइंस भी दोस्तों बनाई गई थी, उसमें बस एक बात कहा गया था कि जो बच्चे फाइनल ईयर के होंगे उनको पेपर देना ही पड़ेगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उस मामले को भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों डिसीजन यही आता है कि जो UGC ने गाइडलाइंस तय किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मामला कोर्ट में जाएगा। तो देखिए गाइस कभी कभी यही हो जाता है कि जो ये गाइडलाइंस बनाते हैं अधिकतर इनकी जीत हो जाती है, लेकिन दोस्तों इस बार मामला कुछ अलग है, ठीक है ना, इस बार मामला छात्रों के भविष्य से भी जुड़ा है। PNP की एक छोटी सी गलती की वजह से दोस्तों छात्रों का एक साल खराब हो सकता है, एक साल दोस्तों आपका दाव पर लगा है, ठीक है ना। एक साल कैसे दाव पर लगा, देखिए अभी दोस्तों अगर आपका थर्ड सेमेस्टर अभी ये करा लेंगे तो फिर ये फोर्थ सेमेस्टर आपका कब कराएंगे, एक सवाल। इसका जवाब दोस्तों PNP की तरफ से कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल है, क्योंकि दोस्तों ये कहीं रिटन स्टेटमेंट नहीं है, तो भाई उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द आपका पेपर करा लेंगे। लेकिन दोस्तों एक और सच्चाई यही होती है कि जो आपका पेपर होता है जब अगला सेमेस्टर होगा दोस्तों तभी तो पेपर कराएंगे ना। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दोस्तों तब होगा जब अगली बार फोर्थ सेमेस्टर आएगा, और अगली बार फोर्थ सेमेस्टर तब आएगा जब आपका एक साल बीतेगा। तो कुछ ये सच्चाई भी है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या होता है, सभी लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो हो रहा है वो आपके सामने है, ठीक है। बड़ी बड़ी हस्तियां दोस्तों सड़क पर गिर जाती हैं, चाहे वो धक्का मुक्की के नाम पर गिर जाए या जैसे भी, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम आप एक आम विद्यार्थी स्टूडेंट टीचर हम लोग क्या कर सकते हैं इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सरकार की पावर है जो कि सड़कों पर आपको दिख रहा होगा। तो काफ़ी दिन मतलब आज आपने दिन भर वैसे न्यूज़ चैनल देखा होगा तो सारी अपडेट्स आपको वैसे ही पता चल चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों इस अपडेट्स को भी जरा देखते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्या था, क्या आया, क्या नहीं आया। हाथरस की दलित युवती के साथ दोस्तों हुई हैवानियत और मौत से पूरे देश में आक्रोश है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। इसी बीच दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट के बाद विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के ADG लैंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि दोस्तों FSL रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। गुरुवार को दोस्तों मीडिया से बात करते हुए ADG प्रशांत कुमार ने कहा पीड़ित युवती का पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ था, परिवारजनों की सहमति के बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया गया। लाइन दोस्तों आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो आप अच्छे से इसको आप एनालाइज कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की चोट और उसके कारण हुए ट्रामा में मौत का कारण बताया गया। इसी बीच दोस्तों विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल इकट्ठे किए गए थे उसमें किसी भी तरह के स्पर्म या शुक्राणु नहीं पाया गया। प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गई। दोस्तों किसी बच्ची की जान चली जाती है और दोस्त यहाँ पर बात क्या हो रही है, जातीय तनाव, ठीक है, लाइन को भी पढ़िएगा। खाली दोस्तों कुछ लाइन हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि उसको आप समझ सकें क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। फिर आगे देखिए पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई की है, आपको शायद पता होगा कि कितने दिन बाद ये केस की FIR रजिस्टर्ड हुई है, पता करिएगा सोशल मीडिया से, ठीक है। खाली हम दोस्तों पहले उनकी लाइन पढ़ के सुना रहे हैं और एक एक लाइन को दोस्तों आप समझिएगा कि कितना सच है कितना झूठ। अब हम आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो दोस्तों प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते थे और जातीय हिंसा को भड़काना चाहते थे।
ठीक है, समझिए दोस्तों, ये किसको पकड़ेंगे? जो जातीय हिंसा को भड़काना चाहते थे, मतलब जिन्होंने मारा है वो चार लड़के, उनका क्या होगा? फिर आगे क्लाइम देखते हैं। 14 सितंबर को गांव चंदपा की युवती अपनी मां के साथ खेत पर गई थी। आरोप के मुताबिक सातनी निवासी एक युवक ने उस पर जानलेवा हमला किया था। युवती ने सीओ ठीक है सादाबाद को दिए बयान में तीन और युवक के नाम बताए थे, जिसके बाद पुलिस ने केस में गैंग रेप की धारा बढ़ा दी। इसी मामले में पुलिस चारों आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर के सीएमओ डॉक्टर जो भी हैं, इन्होंने बताया कि पीड़िता को गर्दन के पास गहरी चोट थी और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, किसी को मार दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जो कि सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से दोस्तों दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। गर्दन के पास की हड्डी टूटने की वजह से वह सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब बराबर नहीं ले पा रही थी, और उसकी गर्दन की भी नस टूट चुकी थी। बताया जा रहा है कि गले और रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से ही युवती की मौत हुई है। ये दोस्तों पूरा मामला है। ठीक है गाइस, कुछ चीज़ें हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ना कि आगे आप लोग कोई भी दोस्तों मामला हो तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। देखिए गाइस, कभी कभी कुछ चीज़ें जब आपके साथ खुद होती है ना, तब उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इन सब बातों को दोस्तों वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे जो बच्चे डीएलएड 2018 बैच के हैं, जिनको प्रमोट नहीं किया गया। गलती से दोस्तों जिन बच्चों की एक या दो विषय में बैक थी, उनको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों आज से पहले यही पीएनपी का नियम है, यही डीएलएड का नियम है दोस्तों, अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में एक विषय में बैक आती है तो वो सेकेंड सेमेस्टर में चला जाता है ऑटोमेटिक। तब तो दोस्तों ये बात नहीं आती कि एक में बैक है तो आप सेकेंड में नहीं जा सकते, तब भी तो रोका जाना चाहिए ना कि जब आप फर्स्ट वाली बैक क्लियर करेंगे तब सेकंड में पहुंचेंगे। तब तो दोस्तों इनको ये नियम कानून याद नहीं आते, लेकिन इस बात जब प्रमोट करने की बारी आती है तो नए नए नियम नए नए कानून ये बना देते हैं, जिससे छात्रों का नुकसान होता है। ठीक है छात्र दोस्तों, आज कन्फ्यूजन के उस दौर में खड़े हैं ना, एक गलती दोस्तों और रिजल्ट में फिर से फेल ही लिख कर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों ये कुछ करते हैं नहीं और काफ़ी देर से इन्होंने किया। अब दोस्तों कोरोना के मामले आज 50,000 80,000 90,000 मामले एक दिन में आ रहे हैं, तब पेपर कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जब पेपर आपकी परीक्षा रद्द की गई थी तो एक दिन में 1,000 मामले भी सामने नहीं आ रहे थे, और पूरे देश में भी दोस्तों टोटल मामले 1,000 नहीं थे उस दिन का। दोस्तों और आज का दिन हम देखें तब भी आपको लगेगा कि ये आपके साथ चीटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, हर पहलू हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं पता है, कि आप दोस्तों सच्चाई जाने, राजनीति को समझें। ठीक है, राजनीति समझेंगे दोस्तों तभी आपका भला होगा, विपक्षी दल दोस्तों आपका सपोर्ट करेंगे, तभी कुछ ना कुछ होने वाला है। एक और दोस्त इस बात को एक और आप तरीके से देख सकते हैं कि जब हाथरस में कुछ हुआ ही नहीं था तो राहुल गांधी को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले तो नहीं रोका जाता था। ठीक है, तो राहुल गांधी जी जाके वहाँ क्या कर लेते, एक सवाल ये भी है ना कि वहाँ पहुँच जाते तो क्या हो जाता ऐसा। ये तो दोस्तों कोई बहुत बड़े मतलब नेता तो है नहीं कि जो जाति से मतलब संपर्क करते हो। ठीक है, अगर अखिलेश यादव, मायावती इनमें से कोई नाम होता तो हो सकता था कि और बवाल होता, लेकिन राहुल गांधी, गाइस ये सब चीज़ें आप समझिए। ठीक है, पॉलिटिक्स को समझना शुरू कर दीजिए, नहीं तो गाइस आप हमेशा परेशान रहेंगे। अब बात आती है डीलेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ पर भी राजनीति हो रही है, राजनीति को आप समझ नहीं पाते बात अलग है। अगर दोस्तों काफ़ी दिन से आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती की राजनीति को आप समझ चुके होंगे, कैसे दोस्तों उनको तोड़ा गया, कितने ग्रुप में तोड़ा गया। आपको बता दें दोस्तों 69,000 भर्ती में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो दोस्तों उस समय पास कैंडिडेट की संख्या 1,46,000 के पार थी, समझिए पहले। ठीक है, पहले दोस्तों मतलब टोटल सपोर्ट 69,000 भर्ती में 1,46,000 बच्चों का मिला। उसके बाद दोस्तों चयन लिस्ट आती है, मतलब जितने बच्चों की नौकरी मिलनी थी 69,000 पदों पर, उसमें दोस्तों आता है लगभग 67867 67,867 बच्चों का नाम आता है जिनको नौकरी दी जानी है 1,40,000 में। पहले दोस्तों टोटल संख्या 1,46,000 थी, उनकी आधी हो गई अब 67,000। उसके बाद दोस्तों योगी सरकार का एक और फरमान आता है जिसमें 31,661 बच्चों को नौकरी देने की बात की जाती है। देख रहे हैं आप गाइस कैसे दोस्तों हर बार आधे बच्चों को तोड़ते गए हैं। उससे होता क्या कि छात्रों में मतलब जो नहीं होता उत्साह या जो मोटिवेशन होता वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप दोस्तों ये डीएलएड 2018 बैच के छात्रों के साथ हो रहा है।
अब देखिए पूरे बच्चों को एक साथ बता दें आपको, अगर दोस्त ये कल को 2018 बैच में किसी बच्चों को प्रमोट ना करते ना, तो दोस्त एक अलग तरह से आप देखे होंगे, देखते कि कुछ एक अलग मैटर यहाँ पर बनता है। अब हुआ कि आधे बच्चों को प्रमोट कर दिए भाई, प्रमोट वाले बच्चे अपना खुश हैं, उनको कोई लेना देना तो है नहीं। देखिए जिनके साथ दोस्तों कुछ गलत होता है ना, वो बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इंतजार करेंगे दोस्तों, बाकी अभी आपसे बस ये कहेंगे कि आप लोग जो बच्चे फेल है वो अपना थर्ड सेमेस्टर ही देखें, फोर्थ के भरोसे मत रहिएगा गाइस, क्योंकि भाई सरकार की पूरी पावर होती है। अगर सरकार चाह गई नहीं हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे, तो गाइस कोई प्रमोट आपको नहीं करा सकता, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम सब कहिए या सभी लोग पागल थे जो कि दोस्तों ये समझ रहे थे कि यहाँ पर रेप हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों आके क्या बताते हैं कि रेप हुआ ही नहीं। समझिए गाइस कि क्या सच है क्या झूठ, हम खाली आपको ये समझाना चाह रहे हैं। तो वैसे दोस्तों आप बहुत से बार सच होंगे लेकिन सच्चे होंगे लेकिन आपको झूठा साबित किया जाएगा। तो गाइस आप मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है ना। राजनीति को अगर आप समझ कर चलेंगे तो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। अगर आप राजनीति को नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी मतलब जीत नहीं पाएंगे। हर जगह दोस्तों राजनीति होती है, हर छोटी छोटी बात पर राजनीति होती है। अगर कोई बंदा अपना पूरा नाम ले रहा है तो भी दोस्तों राजनीति आ जाती है, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं, मेहनत आप लोग करिए। बाकी अगर आपको परीक्षा की डेट शीट को डाउनलोड करना है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी, तो उसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए दे रखा है। बाकी दोस्तों डीएलएड के छात्र धरना प्रदर्शन जो भी हो सकता है अपनी तरफ से पूरा कोशिश मतलब कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये सब बातें हो रही हैं लेकिन बस आपसे एक बात कहेंगे, पूरी पावर, जी हाँ दोस्तों फुल पावर हर बार गवर्नमेंट के हाथ में होती है। चाहे दोस्तों आज वो योगी सरकार हो, कल को दोस्तों वो अखिलेश सरकार हो सकती है, मायावती सरकार हो सकती है, राहुल सरकार भी हो सकती है, कोई भी सरकार हो सकती है। तो पावर हमेशा सरकार के पास होती है जो कि गवर्नमेंट में हो। तो दोस्तों यहाँ उम्मीद करेंगे कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले जिससे छात्रों को राहत मिले, तुरंत राहत मिले, क्योंकि इनकी संख्या तकरीबन 1 लाख के करीब है। सारे बैच को जोड़ लिया जाए 2015-17 बैच, 18 बैच कोई ना कोई फेल में जिनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया, तो उनकी संख्या दोस्तों तकरीबन 1 लाख के करीब है। तो संख्या बहुत बड़ी है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है ना। अगर देखिए आपके मन में ये सवाल है कि अगर अंतिम समय में मतलब प्रमोट कर दिया गया तो फिर क्या होगा, देखिएगा कि आपके लिए राहत की खबर होगी, प्रमोट हो गए ठीक है तब भी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये मत सोच कर चलिएगा कि छोड़ो हम फोर्थ की तैयारी करते हैं, हो सकता है कि लास्ट टाइम में हम प्रमोट हो जाए। ऐसी बेवकूफ़ियाँ ऐसी गलती बिल्कुल भी आप मत करिएगा, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब पर देख के आप अफवाह से मतलब अफवाह में मत आ जाइएगा कि नहीं यार छोड़ो लास्ट टाइम में प्रमोट कर देंगे, फोर्थ का पढ़ लो। कर देंगे दोस्तों तभी आपको पढ़ना है, नहीं करते हैं तब तक आप अपना ठंड का ही देखिए, ठीक है ना। बाकी आप मानसिक तौर पर परेशान है दोस्तों, कोई भी हो सकता है, सभी लोग होते हैं। जिसके साथ कुछ गलत होता है उसको वही बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, बाकी दुनिया को क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। वो कह देंगे चलो ठीक है यार 6 महीने बाद से पेपर दे देना। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है ना, अगर वो आकर निकल गई ना तो फिर ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। डीएलएड दोस्तों 6 महीने का, 1 साल लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों नए शिक्षक भर्ती में आपका मौका ना चूक जाए। नए शिक्षक भर्ती का दोस्तों एक सिंपल सा रूल होता है सुपर टेट का, रूल इनका अच्छा कहिए या खराब कहिए, सुपर टेट का सिंपल सा एक नियम है गाइस कि सुपर टेट के लिए आवेदन वही छात्र कर सकता है जो छात्र ने अपने डीएलएड के 4 सेमेस्टर को कम्प्लीट कर लिया हो या बीएड। उसके बाद दोस्तों कोई भी बैक आपकी नहीं होनी चाहिए, नो बैक पॉलिसी, ठीक है। तब तक आप अपनी बैक क्लियर कर ले जब सुपर टेट का फॉर्म है, तब इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब दोस्तों नियम है, काफ़ी सख्त नियम है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। तो मेन बात दोस्तों नौकरी का ही मुद्दा है, बाकी चलता है सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रमोट किया जाए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सच्चाई दिखाई दुनिया को। जी हाँ दोस्तों हर एक चीज़ की सच्चाई दिखाइए और बता दें दोस्तों कुछ भी होता है ना देश में सब कुछ बदला जा सकता है। आजकल दोस्तों लोगों को EVM पर तो भरोसा रहा नहीं कि क्या सही है क्या गलत, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।